हेलो एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए, स्पाइस जेट के शेयर में पिछले काफी वक्त से काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। पहला रीजन तो ये था कि शुरुआत में जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो इनकी फ्लाइट सारी की सारी कैंसिल कर दी गई थी। उसके बाद अगर फ्लाइट खुल भी गई तो बहुत ही कम कैपेसिटी में फ्लाइट खुली थी और अभी भी लोग खुद से ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि स्पाइस जेट के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पाइस जेट 53 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिन से अगर हम देखें तो हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 17-18% की बड़ी रैली भी यहां पर आई है। 45 रुपीज का शेयर था, तेजी आई, 54 तक पहुंचा, गिरावट आई, 50 तक पहुंचा, वापस शेयर 53 रुपीज तक पहुंच चुका है। रीजन ये है, शॉर्ट टर्म में तेजी का जो रीजन है वो ये है कि 3 सितंबर को खबर आई थी कि सरकार ने अलाउ कर दिया है एयरलाइंस को कि भैया वो 60% की कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, और इसी के चलते स्पाइस जेट और इंडिगो के जो शेयर थे उसमें रैली हमें देखने को मिली थी। अब देखिए, शेयर ऑफ स्पाइस जेट गेन 5.6% इंट्राडे एंड इंडिगो 4.5% सितंबर 3 आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउड डोमेस्टिक एयरलाइंस टू ऑपरेट एट 60% ऑफ देयर प्री कोविड लेवल कैपेसिटी। देखिए, 60% तक ऑपरेट करने की परमिशन मिली, इसी के चलते शेयर में तेजी थी। अप टिल नाउ एयरलाइंस वर ऑपरेटिंग 45% ऑफ देयर प्री कोविड कैपेसिटी। तो देखिए, अब तक 45% फ्लाइट्स एक्टिव थी, अभी 60% तक फ्लाइट एक्टिव हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा फ्लाइट को परमिशन मिलेगी उतनी ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे। आफ्टर रिज्यूमिंग डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट इन इंडिया फ्रॉम द मई 21st, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैड अलाउड इंडियन एयरलाइंस टू ऑपरेट 33%। देखिए, पहले 33% की परमिशन थी, बाद में 45% की परमिशन मिली, अब 60% की परमिशन यहाँ पर मिल चुकी है। While this move is sentimentally positive for airlines company, we believe that the demand will remain muted in the near future and is expected to pick up post festival. देखिए, यहाँ पर जो एंजल ब्रोकिंग के जो स्ट्रेटेजिस्ट है ज्योति रॉय, उनका ये कहना है मनी कंट्रोल को, उन्होंने कहा है कि देखिए, भले ही फ्लाइट को ज्यादा परमिशन मिल चुकी है लेकिन अभी भी लोग उतना ज्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि नियर फ्यूचर में डिमांड ज्यादा बढ़ सकती है, लोग ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली आ रहा है, फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस, ये सारे फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहे हैं। तो शायद उसके चलते हो सकता है कि डिमांड जो है वो फिर से लौट कर आ सकती है, ऐसा यहाँ पर उनका मानना है। The Aviation Ministry issued an order on September 2 stated that the 45% capacity may be reached 60% capacity modifying its June 20 order. तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज थी जिसके चलते शेयर में हमें तेजी देखने को मिली है स्पाइस जेट में। अब देखिए, पिछले एक साल की मैं बात करूं तो एक साल में 58% की गिरावट, 133 रुपए शेयर टूट के नीचे आया था, और पेंडेमिक में तो भैया बहुत बड़ी गिरावट थी, 32 रुपए तक शेयर टूट गया। बाद में फिर से तेजी आई, 48 रुपए तक पहुंचा, फिर 40 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया, वापस तेजी यहां पर आई और शेयर पहुंच गया था, देखिए 55 रुपीज तक शेयर 56 रुपीज तक पहुंच गया था। और ये वो लेवल्स थे, देखिए जब शेयर 36 पे था तब मैंने वीडियो बनाए थे और मैंने बाइंग की भी एडवाइस दी थी, जब शेयर 40 पे था तब भी मेरी बाइंग की एडवाइस थी। लेकिन जैसे ही शेयर इस लेवल 55 तक पहुंचा था तब मैंने कहा था कि अब यहां से आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि कोविड के जो केसेस थे वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे और कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा था कि अब आपको एयरलाइन सेक्टर में अभी नहीं पड़ना चाहिए, खास करके स्पाइस जेट में, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर में रहेगा ये शेयर। और आप देख सकते हैं कि जून महीने में ये शेयर 9 जून को 55 रुपए के ऊपर था, इवन 8 जून को 56 के ऊपर था। उसके बाद जो गिरावट यहाँ पर शुरू हुई है कि तकरीबन 2 महीने तक शेयर में कंटिन्यूस प्रेशर बना है और शेयर टूट के बिखर ही गया, 45 रुपीज तक पहुंचा है। उसके बाद तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज है, तो ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। पिछले 3 साल की मैं बात करूं तो 3 साल में स्पाइस जेट में 57% की गिरावट है, 150 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे यहाँ पर आया है, 32 रुपए तक का लो भी बना है, तेजी भी आई थी, गिरावट भी आई, फिर से तेजी यहाँ पर आई है।
स्मॉल कैप शेयर है ये, 3,099 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 1,30,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 59.93% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.85% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 9.50% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएस ने बिकवाली की है, म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी सी यहाँ पर बिकवाली जरूर की है। हालांकि प्रमोटर के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, प्रमोटर जो है यहाँ पर अजय सिंह है जिनके पास 50.72% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर के द्वारा 44% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी देखने को मिल रही है। 44% की प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी है। उसके अलावा स्पाइस जेट के बारे में अगर हम बात करने जाए तो स्पाइस जेट की टेक्निकल रेटिंग अभी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। रीजन ये है कि परमिशन मिल चुकी है पहली चीज, और दूसरी चीज फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो लोगों में उम्मीद है, एनालिस्ट का मानना है कि फेस्टिवल सीजन में लोग ज्यादा ट्रैवल करना पसंद करेंगे फ्लाइट्स वगैरह में, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लाइट्स वगैरह सेफ मानी गई है कंपेयर टू बसेस और ट्रेन के मुकाबले। यहाँ पर देखिए तो 33% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 67% लोग यहाँ पर बेचने की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने जाए तो सबसे पहले मार्च क्वार्टर में देखिए 816 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है, 816 करोड़ का नुकसान हुआ है मार्च 2020 के क्वार्टर में, जबकि इससे पहले 77 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 460 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, उससे पहले 260 करोड़ का अगेन इनको प्रॉफिट था। तो आप देखिए मार्च के नतीजे अच्छे नहीं थे, जून के नतीजे और बुरे आ सकते हैं, क्योंकि जून के नतीजे की अगर हम बात करें तो वो कोरोना का दौर था, पेंडेमिक का दौर था, तो ऐसे में नतीजे और खराब आने के चांसेस, क्योंकि लॉकडाउन भी था, फ्लाइट सारी की सारी बंद थी, तो कहीं ना कहीं इनका जो खर्चा था वो और ज्यादा बढ़ रहा था, तो नुकसान और भी यहाँ पर हो सकता है ज्यादा। और जैसे कि मैंने कहा प्रमोटर के पास होल्डिंग है, प्रमोटर की जो गिरवी रखी हुई होल्डिंग वो इंक्रीज हो रही है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। 39% की होल्डिंग 44% तक पहुंच चुकी है गिरवी रखे हुए शेयर्स। एफआईएल यहाँ पर कंटिन्यूअस बिकवाली में लगे हुए हैं। आप देखिए एफआईएल की पहले 3.96% की होल्डिंग 1.71% है, हालांकि ये मार्च तक का डेटा है, उम्मीद करते हैं कि हम थोड़ा और डेटा है तो आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि स्पाइस जेट में फेस्टिवल सीजन के दौरान शॉर्ट टर्म के लिए शायद थोड़ी सी तेजी आए, अगेन मैं कह दूं शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन वापस से शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, वापस से यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स भले ही चल रही होगी, इंटरनेशनल फ्लाइट अभी भी फुल फ्लेज में काम नहीं कर रही, अभी भी काम नहीं कर रही है, तो वो चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू होने में वक्त लगेगा, काफी वक्त लगेगा, कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है, और इसी बहुत ज्यादा केसेस के चक्कर में अभी के लिए कुछ भी कहना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि स्पाइस जेट में तेजी आएगी, शॉर्ट टर्म में तेजी आएगी जरूर, हल्की सी तेजी, का मतलब ये नहीं है कि शेयर 20-25% उछल जाएगा, हो सकता है कि यहाँ से आपको 5-6% की तेजी देखने को मिले, लेकिन उसके बाद 55 रुपए तक पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि वापस से एक गिरावट की शुरुआत भी हो सकती है। तो खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आप यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश मत करिएगा। और दूसरी बात ये कि खरीदारी की हुई है तो अगर आप चाहे तो 55 रुपए के आसपास अगर शेयर पहुंचता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, 55 रुपए के आसपास अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह अभी स्पाइस जेट में नहीं है। आप खुद सोचिए कि अभी इस दौरान कोई ट्रैवल करना पसंद नहीं करेगा, अभी जो भी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी भी कोई बाहर नहीं जा रहा है, लोग अपनी जो मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, लोग कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ट्रैवल भी बहुत कम होगा उन लोगों का। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो कई सारे लोग ट्रैवल को अभी के लिए अवॉइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फेस्टिवल में जरूर थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग होगी, लेकिन इतनी बड़ी ट्रैवलिंग यहाँ पर नहीं होगी कि आप ये मान के चले कि 20-25% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें अभी के दौर में, काफी रिस्की शेयर है ये और काफी बड़ा नुकसान ये कंपनी झेल चुकी है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा प्रेशर में है स्पाइस जेट, काफी ज्यादा प्रेशर में है, कंपनी के पास लिक्विडिटी उतनी बड़ी नहीं है, और हो सकता है कि कंपनी को सर्वाइव करने के लिए पैसा आने वाले दिनों में जब चाहिए होगा तो कंपनी इक्विटी इश्यू भी कर सकती है, ये एक चांसेस है इनके पास कि शायद इक्विटी इश्यू करके कंपनी पैसा जुटाने की कोशिश करे, फंड रेज करने की कोशिश करे, लेकिन इक्विटी इश्यू अगर करेगी भी तो किस प्राइस पे करेगी वो भी सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं यही कहूंगा अभी के लिए निवेश मत करिए, अभी के लिए होल्ड खरीदारी करने की कोशिश मत करिए,
अगर तेजी आती है तो उस तेजी का फायदा आप उठा सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने में, ना कि आप यहां पर फ्रेश बाइंग करने की कोशिश करें। यहां पर स्पाइस जेट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी अभी देने में काफी दिक्कत हो रही है उनको। उसके अलावा फ्लाइट भले इस कैपेसिटी के साथ चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होगी। फेस्टिवल में भी थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं होगी कि जिससे कंपनी अपना खर्चा भी निकाल पाए। तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें अभी के दौर में, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें खरीदारी के लिए। मौका मिलेगा, कोई मौका हाथ से छूटा नहीं जा रहा है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले तो ही बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। स्पाइस जेट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।